जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर। आ रही वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स बेटा ऐसा ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आप लोगों तो पूछ लें, शाबाश। किसी तरह का कोई क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में है आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, पूछ लें अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन फील हो रहा है। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी, तो हम लोग TCP/IP लेयर मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये TCP/IP लेयर मॉडल आप लोगों के पास जो हमने कहा जी कि इंटरनेट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इंटरनेट के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि देर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो कि यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, मतलब SMTP के लिए हमारे पास एप्लीकेशन लेयर यूज़ हो रही है जी, FTP के लिए एप्लीकेशन लेयर यूज़ हो रही है, एंड सो ऑन। इसी तरह हमने डिस्कस किया कि हमारे पास TCP प्रोटोकॉल है, UDP प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम कर रहे हैं, ये स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, और हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। ये आगे जाके हम लोग इनके बारे में देखेंगे तो ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेसिंग के बारे में वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इनके बारे में क्योंकि हम लोग डिस्कस करके आए हैं। कौन सी लेयर के ऊपर किस तरह की एड्रेसिंग की जाती है, कौन सा एड्रेस जो है वो कब यूज़ में आता है, कौन सा एड्रेस जो है वो कब यूज़ में आता है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में जनरल जो डिस्कशन थी वो हम लोग जो है वो अपने पिछले लेक्चर में भी और आज वाले लेक्चर में भी हम लोग देख के आए हैं। बेसिक तो हमारे पास बेटा तीन तरह के एड्रेसेज होते हैं, फिजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस होता है और पोर्ट एड्रेस होता है। यहाँ पर उसने हमें चार एड्रेसेस के बारे में बताया, ये जो चारों एड्रेसेस हैं इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये तो उसने हमें एक फिगर के तौर पर बता दिया जी कि फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल पोर्ट और स्पेसिफिक। यहाँ वो हमें बता रहा है जी कि किस तरह के एड्रेसेस जो हैं वो कब यूज़ किए जा रहे हैं, किस लेयर पे यूज़ किए जा रहे हैं। एक बात जो आप लोगों के पास यहाँ पर फोकस करने वाली है, जिसके ऊपर आपको देखना है, वो ये है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि TCP/IP जो लेयर मॉडल होता है उसकी चार लेयर्स भी होती हैं, पाँच भी होती हैं। तो यहाँ आप देखें कि चार और पांच दोनों के कंसेप्ट को आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि उसने यहाँ पर जो है लेयर्स अगर बैकएंड पे बनाए हैं तो उसने यहाँ पर लेयर्स जो है वो पांचों बना दी, लेकिन जो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है ना इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको हाईलाइट कर दिया ये येलो कलर के साथ। तो दोनों बातें ही ठीक हैं। तो आप देखें कि फिजिकल एड्रेसेस जो हैं वो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के ऊपर उसने कहा जी यूज़ हो रहे हैं। तो नॉर्मल जब हम लोग बात करते हैं कि TCP/IP जो सूट है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है या लेयर मॉडल है, इसको अगर हम लोग देखें तो डाटा लिंक लेयर जो होती है इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि फिजिकल एड्रेसिंग होती है या मैक एड्रेसिंग होती है। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर उसने हमें यही बताया जी कि इसके ऊपर फिजिकल एड्रेसिंग होती है या मैक एड्रेस। लास्ट टाइम देखा था ना हमने मैक एड्रेस, आपको याद होगा। मैंने आपको दिखाया भी था, देखा था बेटा या नहीं? यस सर, आईपी कॉन्फ़िग जी करके सर, कमांड देखा प्रॉम्प्ट था मिलता है। वो कमांड। जी सर, जी वेरी गुड। तो लॉजिकल एड्रेस बेटा आईपी एड्रेस को कहते हैं,
इसी तरह आप लोग देख रहे हैं जी कि हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क लेयर के ऊपर लॉजिकल ड्रेसिंग होती है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर फिजिकल ड्रेसिंग होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम लोग कह रहे थे जी पोर्ट एड्रेस यूज़ होता है, और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर उसने स्पेसिफिक एड्रेस बता दिया। ये स्पेसिफिक एड्रेस वो जो हमारे पास FATM.200 या 204 या 400 लिखा हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। अभी हमें आगे जाके ये सारी समझ आ जाएगी। यहाँ देखते हैं जी, यहाँ वहाँ पे हमें ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा है, फिगर 2.19 को ज़रा समझना है। लेकिन फिगर 2.19 को समझने से पहले आप ज़रा एग्जाम्पल को डिस्कस कर लें, देख लें क्या लिखा हुआ है। इसका वजह फिगर 2.19 है, नोड विद फिजिकल एड्रेस 10। जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। अब फिगर 2.19 अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 10। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी एक सिस्टम है जिसका फिजिकल एड्रेस 10 है, सेंड्स अ फ्रेम टू अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 87। वो किसी दूसरे नोड को, किसी दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड कर रहा है जिसका फिजिकल एड्रेस 87 है। द टू नोड्स आर कनेक्टेड बाई अ लिंक बस टोपोलॉजी लैन, मतलब लैन के ऊपर कनेक्टेड है और बस टोपोलॉजी के थ्रू वो कनेक्टेड है। एज अ फिगर शोज द कंप्यूटर विद फिजिकल एड्रेस 10 इज द सेंडर एंड द कंप्यूटर विद फिजिकल एड्रेस 87 इज द रिसीवर। अब हम जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है जी, ये डाटा जो है सेंड होना है इसको, और बस टोपोलॉजी के ऊपर डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि बस टोपोलॉजी जब यूज की जाती है तो वहां पर एक बात तो यह है कि एक वक्त में एक सिस्टम ही डाटा सेंड कर सकता है, और वो जो सिस्टम डाटा सेंड करता है, उस कम्युनिकेशन के रास्ते में आने वाले सब सिस्टम्स, क्योंकि एक बैकबोन केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो सब सिस्टम उस डाटा को समहाउ किसी लेवल पे रिसीव करते हैं। रिसीव करने से मुराद ये है कि चेक करते हैं, देखते हैं। अब देखें कि ये जो सिस्टम है इसका जो फिजिकल एड्रेस 28 है, तो इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो हमारे डाटा के अंदर जो हेडर लगा हुआ है उसके साथ, डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब 87 के साथ मैच नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि उसको पता है कि ये डाटा मेरा नहीं है, वो डाटा को ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। इसी तरह ये सिस्टम जो है डाटा को रिसीव करता है, सिर्फ अभी डाटा उसको नहीं पता कि डाटा के अंदर गया है, अभी कॉन्टेंट्स की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट उसको एक पैकेट मिला, उसने उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखा, उसने देखा कि मेरा फिजिकल एड्रेस और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो उसने भी पैकेट को ड्रॉप कर दिया, आगे चला गया, आगे चला गया। ये सिस्टम जो है, जब ये सिस्टम इसको देखता है पैकेट को, तो देखता है कि मेरा जो फिजिकल एड्रेस है और जो इसके हेडर के अंदर फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है ये दोनों मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये डाटा मेरा है। तो क्या होता है जी कि वो डाटा रिसीव कर लिया जाता है, और डाटा ये देखें कि डाटा आपके रिसीवर के पास पहुंच गया, ये डाटा चला था और ये डाटा जो है रिसीवर के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर उसने फिजिकल एड्रेसेस के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ तो वो अजम्पशन के तौर पर चल रहा है ना, अदरवाइज तो आपको पता है कि हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस वो मैक एड्रेस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं या देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये इस तरह का आपके पास फिजिकल एड्रेस होता है 48 बिट्स का। छह ऑक्टेट आपके पास होते हैं आपके फिजिकल एड्रेस के अंदर, आपके मैक एड्रेस के अंदर। मैं कोशिश करता हूं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूं जी। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये देखिए जी, स्क्रीन नजर आ रही है जी आपको, कंप्यूटर
कमांड प्रॉम्प्ट यस भी। सर, जी सर, वेरी गुड। तो जी सर, ये देखें बेटा, इस वक्त मैं ये वाईफाई 2 का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप चेक करें कि ये देखें फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है मेरे मेरे वाईफाई कार्ड का। ये मैक एड्रेस होता है, इसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। इसके हमारे पास 6 ऑक्टेट्स होते हैं। 6 ऑक्टेट से मुराद ये होता है कि 8 8 बिट्स के 6 पोर्शन होते हैं इसके। ऑक्टेट 1 बाइट को कहते हैं ना, 8 बिट्स को कहते हैं, 1 बाइट को, 1 बाइट। तो 1 बाइट मीन्स के 8 बिट्स, 8 बिट्स। तो जब 8 6 48, तो हमारे पास 48 बिट्स का, या हम इसको कहते हैं जी 6 बाइट्स जो हैं वो हमारे पास इसके फिजिकल एड्रेस के होते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर मैं वापस अब आपको अपनी स्लाइड्स की तरफ लेके जाऊं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द मैक एड्रेस, दिस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? तो यहाँ देखें क्या लिखा है, मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज अ 48 बिट 6 बाइट्स फिजिकल एड्रेस रिटन एज 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हेक्साडेसिमल डिजिट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ते हैं कि हेक्साडेसिमल यूज किया जाता है मेमोरी एड्रेसेस को या एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आजकल हमारे पास जो हेक्साडेसिमल है उसका जो यूज है, दैट इज टू रिप्रेजेंट द एड्रेसेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक एड्रेस है, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड यूजिंग हेक्साडेसिमल। तो हमारे पास एक हेक्साडेसिमल का जो डिजिट होता है वो कितने बिट्स यूज करता है, आप बताएंगे मुझे, हेक्साडेसिमल का एक डिजिट कितने बिट्स यूज करता है? हेक्साडेसिमल का बेटा एक डिजिट जो है ना, वो 4 बिट्स यूज करता है। हेक्साडेसिमल के एक डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। सो हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल का जो एक डिजिट है, वो अगर 4 बिट्स यूज करता है, तो यहाँ पर आपके पास देखें कि 12 डिजिट्स हैं। तो 12 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही आएगा, 48 बिट्स। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि फिगर 2.20 जो है शोज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेट विद 2 राउटर्स कनेक्टिंग 3 लैंस। मतलब 2 राउटर्स शो करवाएंगे फिगर के अंदर, जो भी हमारे पास नेक्स्ट आएगी उसके अंदर 3 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। हर डिवाइस जो है या हर कंप्यूटर जो है, वो राउटर भी हो सकता है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, हैज अ पेयर ऑफ एड्रेसेस। डेफिनेटली जब हमारा डाटा सेंड होता है तो वहाँ पर मेनली हमारे पास 2 ही एड्रेसेस होते हैं, 2 एड्रेसेस का ही पेयर होता है बेसिकली। एक लॉजिकल एड्रेस होता है और एक फिजिकल एड्रेस होता है, मीन्स कि एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। तो हमारे पास ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ओनली वन लिंक एंड देयर फोर हैज वन लिंक एंड देयर फोर हैज ओनली वन पेयर ऑफ एड्रेसेस। ईच राउटर हाउएवर इज कनेक्टेड टू 3 नेटवर्क्स, ओनली 2 आर शोन इन द फिगर, सो ईच राउटर हैज 3 पेयर ऑफ एड्रेसेस, वन फॉर ईच कनेक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये राउटर है, इस राउटर के साथ उसने जो बात बताई है पिछली स्टेटमेंट के अंदर, उसने कहा जी कि राउटर के साथ 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड। एक नेटवर्क ये कनेक्टेड है जी, ये वाला, एक ये वाला, और एक यहां कनेक्टेड है। अब फिगर के अंदर वो पूरा नहीं हो सकता था ना, दैट्स व्हाई उसने लिखा भी है कि फिगर के अंदर 2 शो करवाए गए हैं। ठीक है, इस राउटर के साथ 1 2 3, और इस वाले राउटर के साथ भी ऐसा ही है, एक एक यहां पर 2 और एक यहां पर 3। ठीक है जी। और यहां पर आप लोगों के पास वो बेसिकली आपको बता रहा था कि देर इज अ पेयर ऑफ
एड्रेसेस के लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों यूज किए गए हैं। लॉजिकल एड्रेस आप लोगों के पास, इन दोनों में से एक को वो एज ए लॉजिकल एड्रेस यूज कर रहा है, एक को एज ए फिजिकल एड्रेस यूज कर रहा है। तो बेसिकली वो ये बता रहा था कि यहाँ पर पेयर ऑफ एड्रेसेस जो है ना वो यूज किए जा रहे हैं, और पेयर ऑफ एड्रेसेस जो यूज किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, वो कैसे हैं, उसने आपको लास्ट स्लाइड में बता भी दिया है वो कौन से हैं, वो कैसे हैं। मैं भी आपको अगर दिखा सकूं, अगर आप इसको दोबारा पढ़ लें तो वो आपको ये बात बता रहा है कि विद टू राउटर्स कनेक्टिंग थ्री लैंस, ईच डिवाइस कंप्यूटर और राउटर हैज अ पेयर ऑफ एड्रेसेस लॉजिकल एंड फिजिकल। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो ये लिंक जो है ये राउटर के साथ है, तो राउटर के साथ कौन सा लिंक एम स्टेब्लिश हो जाना है। राउटर राउटर के साथ अगर केबल प्लग है तो राउटर की यहाँ पर पोर्ट होती है, यहाँ जिसके साथ नेटवर्क का कनेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना वो एड्रेस देना पड़ता है। तो एक यहाँ पर एड्रेस होगा जो कि इस लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक यहाँ पर एड्रेस होगा जो कि इस लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक यहाँ पर एड्रेस होगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों के पास, तो अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन को भी देखेंगे बेटा, तो जब आप कॉल करते हैं तो सबसे पहले नेटवर्क देखा जाता है कि आप किस नंबर पे कॉल कर रहे हैं। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं पहले उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस नेटवर्क की तरफ डाटा को फॉरवर्ड किया जाता है। सो आप लोगों के पास जो है ये एड्रेसेस जो हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर हमारे पास जो है ये सारी की सारी कम्युनिकेशन की जाती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास इसको देख लें, क्या कह रहा है जी। फिगर 2.21 शोज टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेटिंग वाया द इंटरनेट, और दो कंप्यूटर्स जो है वो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। द सेंडिंग कंप्यूटर इज रनिंग थ्री प्रोसेसेस एट दिस टाइम विद पोर्ट एड्रेसेस ए बी एंड सी। कह रहा है जी जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसके अंदर तीन तीन प्रोसेस काम कर रहे हैं, जिनमें से एक का पोर्ट एड्रेस ए है, एक का पोर्ट एड्रेस बी है और एक का पोर्ट एड्रेस सी है। द रिसीविंग कंप्यूटर इज रनिंग टू प्रोसेस एट दिस टाइम विद पोर्ट एड्रेस जे एंड के। प्रोसेस ए इन द सेंडिंग कंप्यूटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद प्रोसेस जे इन द रिसीविंग कंप्यूटर। नोट दैट ऑल्दो फिजिकल एड्रेसेस चेंज फ्रॉम होप टू होप, लॉजिकल एंड पोर्ट एड्रेसेस रिमेन द सेम फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। कह रहा जी के हमारे पास सेंडिंग कंप्यूटर, उसके ऊपर तीन प्रोसेस जिनके पोर्ट एड्रेसेस आपके पास ए बी सी हैं, और आप लोगों के पास जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसके अंदर दो प्रोसेस हैं जिनके पोर्ट एड्रेसेस जे हैं। ठीक है जी, जे एंड के है। जो प्रोसेस ए है सेंडिंग कंप्यूटर के अंदर, वो रिसीविंग कंप्यूटर में प्रोसेस जे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। दैट मीन्स के दैट का मतलब है कि दोनों प्रोसेस सेम लेवल की कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, सेम टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब वो दोनों सेम टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि पोर्ट एड्रेस सेम होगा दोनों का। सो वो कहते हैं जी कि जब आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, तो फिजिकल एड्रेस चेंज होना है, क्योंकि आपका डाटा एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। लेकिन जो पोर्ट एड्रेस होना है और जो आपका लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस होना है वो चेंज नहीं होना, वो सेम रहना है। अभी आप देख लें, अभी हम लोग नेक्स्ट स्पीकर में इसको देखते हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये आप लोगों के पास डाटा है, ए एंड जे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ए एंड जे के ऊपर आपके पास नेटवर्क लेयर के ऊपर लगा दिया गया आपका पोर्ट एड्रेस आईपी एड्रेस। ठीक है जी, यहां से डाटा जाएगा, मूव करेगा। वो कह रहा जी कि एपी और एपी यहां भी सेम थे, यहां भी सेम थे, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, डाटा यहां पहुंच जाएगा। फिजिकल एड्रेस चेंज होता है वो अभी यहां दिखा देगा आपको, मेरे ख्याल से उसने डाया यहाँ पर, उसकी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। इसके आगे आपको मैं आपको समझाऊंगा कि जो पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस है वो सेम रहता है, लेकिन आप लोगों के पास जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कैसे चेंज होता है। चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम को देखिएगा जरा, इसको देख लें। चले पीछे को डायग्राम है, नहीं यहाँ कोई डायग्राम नहीं दी इसने, इसको देख लें। यहाँ से डाटा निकला सेंडर से, ये लोकल एरिया नेटवर्क है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, तो
यहाँ से डाटा निकल के स्विच के पास जा रहा है ना, वो स्विच से फिर इसके पास जा रहा है। तो जो फिजिकल एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी के इसका फिजिकल एड्रेस 1 है, इसका फिजिकल एड्रेस 2 है, यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, और इसका फिजिकल एड्रेस जो है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 3 है। तो जब यहाँ से यहाँ डाटा सेंड होना है ना, यहाँ से यहाँ आना है, तो फिजिकल एड्रेस सेंडिंग डिवाइस का होना है 1 और रिसीविंग डिवाइस का होना है 2। और जब यहाँ से डाटा यहाँ जाना है तो फिजिकल एड्रेस की सेंडिंग ये आ जाना है और रिसीविंग में ये आ जाना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डाटा जा रहा है ना, आईपी नहीं चेंज होना, पोर्ट नहीं चेंज होनी। फिजिकल एड्रेस जो है वो आप लोगों के पास नोड टू नोड जैसे जैसे डाटा मूव करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, फिजिकल एड्रेस चेंज होता जाएगा। क्योंकि जब मेरे सिस्टम से डाटा निकला तो मेरे मेरे पीडीसीएल के मॉडम तक गया, तो सेंडर कौन था मेरा कंप्यूटर, रिसीवर कौन था पीडीसीएल मॉडम। जब पीडीसीएल मॉडम से डाटा निकलेगा आगे जा किसी स्विच में जा रहा है, तो सेंडर कौन है पीडीसीएल मॉडम, और रिसीवर कौन है नेक्स्ट स्विच जो है, और वो जो नेक्स्ट स्विच है वो आगे किसी को राउटर को डाटा सेंड कर रहा है, तो सेंडर कौन है वो स्विच और रिसीवर कौन है वो राउटर। तो फिजिकल एड्रेस ही चेंज होने हैं यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल एड्रेसेज हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, और डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नोड टू नोड डिलीवरी की। होप सो कि बेटा आप लोगों ने इसको फॉलो किया है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, फिर आज के लिए हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है बेटा बताओ। सर, अगर ये अगर फिजिकल एड्रेस चेंज होगा तो हमने तो जो सेंडर होगा वो जी रिसीवर का अगर फिजिकल एड्रेस नहीं उसने फिर देना होता उसमें कि ये किसको जाएगी, तो वो चेंज नहीं हो जाएगा? मैं वही तो बता रहा हूं ना, देखें आईपी आपका बेसिक पर्पस है एक सिस्टम तक पहुंचना, और दूसरा आपका पर्पस है उस सिस्टम के अंदर जो स्पेसिफिक प्रोसेस है उस तक पहुंचना, ठीक है। लेकिन उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए दरमियान में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, कहीं हब लगी है, कहीं स्विच है, कहीं राउटर है, कहीं गेटवे है, कहीं ब्रिज है। अब सिस्टम तक डाटा पहुंचाना है, उस सिस्टम तक डाटा पहुंचाने के लिए दरमियान में बहुत सारे दूसरे सिस्टम दूसरी डिवाइसेस से होके आना पड़ रहा है। अब आप देखें कि यहां से जब मैं डाटा सेंड कर रहा हूं, मेरी साइड से ये मैं बोल रहा हूं, ये निकल रहा है ना मेरे मेरे पीटीसीएल मॉडम तक जा रहा है, तो यहां से फिजिकली अगर देखा जाए तो आपके सिस्टम तक पहुंचने तक दरमियान में पता नहीं कितनी डिवाइसेस आती हैं। तो नोड्स के दरमियान हमारे पास जो है ना वो डाटा लिंक लेयर काम करती है। नोड्स के दरमियान आपके पास जो है डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का काम होता है। यहां मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूं, इसको देखें जरा। डाटा आपके पास यहां से निकला था, ठीक है, यहां पहुंचना है। पहले वो यहां आईपी एड्रेस इसका दिया गया सेंडिंग में, और रिसीविंग में आईपी एड्रेस दिया गया इसका, मतलब सोर्स का आईपी एड्रेस इसका आ गया, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस इसका आ गया। आईपी एड्रेस ये लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। अब इस आईपी एड्रेस तक डाटा पहुंचाने के लिए दरमियान में बहुत सारी डिवाइसेज हैं, जैसे लाइक ये एक राउटर लगा हुआ है, ये भी एक राउटर लगा हुआ है। अब पहले यहां से डाटा निकलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से निकलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से निकलेगा, फिर यहां पहुंचेगा ना। जी जी सर, तो फिजिकल एड्रेस होता है ना वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये देखें। तो ये जो होप टू होप डिलीवरी है, जस्ट लाइक के आप कहते हैं जी के आप लोगों के पास एयर पेन किधर गया इसका, एक मिनट ठहरा जरा, मुझे ना ये ले, यहां से यहां डाटा निकल यहां जाना है, तो सेंडिंग ये है, सेंडिंग डिवाइस ये है, रिसीविंग डिवाइस ये है। तो फिजिकल एड्रेस सेंडिंग का इसका था, रिसीविंग का इसका था। जब यहां से डाटा निकल के इसके पास जाना है तो सेंडिंग का फिजिकल एड्रेस इसका आ गया, रिसीविंग का इसका हो गया। जब यहां से डाटा निकल के यहां जाना है तो सेंडिंग का फिजिकल एड्रेस इसका हो गया, रिसीविंग का फिजिकल एड्रेस इसका हो गया,
ठीक है, फिजिकल ड्रेस जो है वो नोड टू नोड सेंडर और रिसीवर का चेंज होता जाता है, क्योंकि एक दफा ये डिवाइस रिसीव कर रही थी जब ये सेंड कर रहा था, अब ये सेंड करेगी ये रिसीव करेगी, फिर ये सेंड करेगी ये रिसीव करेगी। कर रहे हैं कसम फॉलो कर नहीं कर रहे? जी तो फिजिकल ड्रेस जो है ना वो नोड टू नोड बेटा चेंज होता जाता है, आईपी और पोर्ट एड्रेस नहीं चेंज होता, ये याद रखना है। सर, फिर जो सारी कम्युनिकेशन ज्यादा बेस तो फिर आईपी पे ही हो गया, फिजिकल तो फिर हमारा चेंज हो जाता है। तो मैं आपको तो हम लोग शुरू में यही कह गए हैं, अगर आईपी ना होता तो फिर हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते। हम शुरू में यही तो बेटा जी डिस्कस करके आए थे कि आईपी की बेस के ऊपर ही कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, लेकिन एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक लोकल एरिया जी जी नेटवर्क सर, है, ये एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना। एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ना वो आप लोगों के पास फिजिकल एड्रेस पे होती है। जब आप एक नेटवर्क से निकलते हैं दूसरे नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो फिर वो जो कम्युनिकेशन होती है ना बेटा वो आपकी आईपी एड्रेस पे होती है, और हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है बैकएंड पे वो आईपी एड्रेस की बेस पे ही होती है। आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर होते 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 फिर हम लोग जो है ना वो मतलब के फिजिकल एड्रेस की बेस पर हम लोग डाटा सेंड रिसीव करते 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 कहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ किस बेस पे पहुंचे हैं? आईपी एड्रेस की बेस पे पहुंच गए, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। चलें, गुड। और कोई क्वेश्चन है जी किसी को? चलें, अब दो सर बजे सारी दोबारा डिवाइस पर हमने डाटा सेंड करना है, तो सारी डिवाइस के पास जाएगा हमारा डाटा अगर से क्वेश्चन हमने ए से डी के क्वेश्चन पास दोबारा करना है। पूछो बेटा, क्वेश्चन रिपीट करें सर एक डिवाइस है ना, जैसे ए डिवाइस है हमारे पास, जी। तो हमारा हमने सी के पास डाटा सेंड करना है, तो दरमियान में जो डिवाइस है उनसे होके डाटा हमारा जाएगा। जारी सी बात है बेटा, अब अगर आप इस वक्त कहाँ से बोल रही हैं, कहाँ रहती हैं आप? फैसलाबाद सर इधर फैसलाबाद, सर किस जगह पर रहती हैं? ये सांगा है ही। सांगला हिल में रहते हैं आप। मैं इस वक्त जो है वो समुद्री रोड पर बैठा हुआ, आपको पढ़ा रहा हूँ। रोड पर बैठने से मुराद जी ये सर, रोड के ऊपर नहीं बैठा कि मेरा घर जो है समुद्री रोड के पास है। तो अब हमारे दरमियान मेरा और आपका बेटा कनेक्शन डायरेक्ट तो नहीं लगा हुआ कि मेरे घर से केबल जो है वो आपके घर तक बिछाई गई है, या मेरे घर से वाईफाई कनेक्शन आपके घर तक है, कि है डायरेक्ट? नो सर। हाँ, तो अब हमारे दरमियान में बहुत सारी डिवाइसेज हैं, नेटवर्क डिवाइसेज हैं। सबसे पहली डिवाइस तो ये देखे ना कि मेरे सिस्टम से डाटा निकलेगा मेरे पीटीसीएल मॉडेम तक जाएगा। आपने कनेक्शन किसका लिया हुआ इंटरनेट का? वाईफाई वाईफाई लिया हो ना? किस कंपनी का लिया है? पीटीसीएल वालों पीडीसीएल का मॉडेम पड़ा हुआ ना आपके घर में, जी आप उसके साथ कनेक्टेड हैं या मेरे साथ कनेक्टेड हैं? सर, उसके साथ कनेक्टेड। आप फिजिकली बेटा उसके साथ कनेक्टेड हैं, आप उसके थ्रू पीडीसीएल के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। फिर पीडीसीएल का नेटवर्क जो है वो इन शॉर्ट क्या है जी, वो कनेक्शन मेरे पास भी है, कोई भी नेटवर्क हो, स्टॉर्म फाइबर है या नेटेल है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकती है ना बेटा कि हमारे दरमियान में बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस होंगी कि नहीं होंगी। सबसे जी सर, ये देखें कि आपका सिस्टम आपके पीटीसीएल मॉडम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, इसी तरह मेरा सिस्टम मेरे पीटीसीएल मॉडम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर हम लोग दरमियान में से बिल्कुल हर चीज निकाल दें, फॉर अ मोमेंट हम लोग ये सोच लेते हैं कि दरमियान में कोई नहीं है, लेकिन कम से कम आपके और मेरे सिस्टम के दरमियान में दो पीटीसीएल के मॉडम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? यस सर, तो मेरा डाटा, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे पीटीसीएल मॉडम तक जा रहा है, वहां से आपके पीटीसीएल मॉडम तक जा रहा है, वहाँ पीटीसीएल मॉडम से आप तक जा रहा है। जब आप बोलती हैं तो आपका डाटा जो है आपके पीटीसीएल मॉडम तक जा रहा है, आपका पीटीसीएल मॉडम मेरे पीटीसीएल मॉडम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, मेरा पीटीसीएल मॉडम जो है मेरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। किया फॉलो? सही। तो आपकी और यस मेरी सर, जो बेसिक कम्युनिकेशन, जो डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है ना, ये आईपी की बेस पे हो रही है, आपके सिस्टम से मेरे सिस्टम तक। लेकिन जो मेरे सिस्टम से डाटा निकल के पीटीसीएल मॉडम तक जा रहा है ना, वो उसके मैक एड्रेस की वजह से जा रहा है, ठीक है, वो मैक एड्रेस सेंड और रिसीव चेंज हो रहा है। फिर वो मैक एड्रेस मेरे पीटीसीएल मॉडम का मैक एड्रेस सेंडिंग बन जाएगा और आपके पीटीसीएल का मैक एड्रेस रिसीविंग बन जाएगा। फिर जब आपके सर उनका पीटीसीएल फिजिकल चेंज होगा, आईपी चेंज नहीं होगा। आईपी चेंज नहीं होगा, वेरी गुड, आईपी नहीं चेंज होना। आईपी आप लोग अमेरिका में भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे ना इस टाइम, तो आईपी वही रहना है, मतलब जिस सिस्टम के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं आईपी नहीं चेंज होता, ठीक है, फिजिकल चेंज होता है। तो होप सो के आप लोग, सब लोगों को क्लियर हो गया जी।
आपकी क्लास का टाइम सर ये लेक्चर्स मिल जाएंगे लिंक वगैरह कोई इनका? हाँ बेटा मुझे आपने याद करवा देना है, मैं ना आज शाम को या कल ये यूट्यूब का जो चैनल है वो उसके ऊपर आपको अपलोड करके ना मैं आपको बता भी दूंगा। जी थैंक यू सर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ। अपने अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा।